हेलो और कैसे हो तुम सब मेरे क्रैशर भाइयों। तो दोस्तों आज की ये वीडियो है हमारे हीलर इवेंट पे जिसका नाम है मर्सीफुल मेहम। तो देखिए दोस्तों आज मैं आपको इसके ऊपर भी एक आर्मी दिखाने वाला हूँ TH9 के लिए। तो दोस्तों ये है हमारी मर्सीफुल मेहम आर्मी जिसके अंदर हम लोग बहुत ही कम डाक यूज़ करने वाले हैं। सिर्फ 4 मिनियंस हैं जो कि डाक को ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कोई डाक यूज़ हो तो आप इन 4 मिनियंस को कट करके और 4 आर्चर्स को कट करके 15 विजार्ड्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस आर्मी के 2 बेस्ट अटैक्स दिखा देता हूं जो कि अभी तक मैं मार चुका हूं। तो दोस्तों ये है मेरा पहला अटैक। देखिए काफ़ी अच्छा बेसा मैक्स था बट इसका एक प्रॉब्लम था कि इसका टाउन हॉल जो था वो थोड़ा बाहर था, तो मैंने इसी की एडवांटेज ले ली और मैं इस पर अटैक मार पाया। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास कोई गोलम नहीं होता, इसलिए हम लोग इसमें फनल जो है पैका से क्रिएट करते हैं। देखिए मैंने सारे के सारे आर्चर टावर्स पर जो है पैका छोड़ और फनल क्रिएट कर दिया। पीछे से कुछ विज छोड़ी एंड देन जंपिंग। जंपिंग छोड़ने के बाद मैंने अपनी हीलर्स छोड़ी क्योंकि मेरे को पता था कि हमारा जो रॉकेट है वो काफ़ी दूर है इनसे और ये हमारे लिए एक एडवांटेज बन के आ चुका था। हमारे पैकाज जो थे वो रीजनरेट होने ही लग रहे थे। ये देखिए हमारे पैकाज जो है क्वीन किंग क्वीन और तो और हमारे टाउनल को भी फोर्ट दिया और अब हमारे हीलर्स जिन पे रेज है वो हमारे पैकाज को रीजनरेट कर चुके हैं। तो टोटली ये रीजनरेट हो चुके हैं जिसके कारण हमारे पास अब ज़्यादा एडवांटेज हो चुकी है। ऑलमोस्ट ऑल डार्क हम लूट चुके हैं जस्ट फिट फॉर 50। ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आप भी जो हैं काफ़ी अच्छे अच्छे अटैक्स मार सकते हैं इस आर्मी से और आपको इसके अंदर अपने बेबी ड्रैगन मिनियंस और आर्चर्स बचा के रखने होंगे ताकि आप बैकअप में उनको यूज़ कर सकें। अगर आप 50 ना भी ले जा पाए तो उनको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पहला अटैक। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना दूसरा अटैक। तो हमारा दूसरा अटैक जो है वो है ये। काफ़ी अच्छी लूट थी इसके अंदर, देख सकते हैं बहुत ही मैक्स बेस था, वॉल्स भी काफ़ी मैक्स थी बट थोड़ा डेड था तो इसी के एडवांटेज ले लिया। पैका से फनल क्रिएट करा, पीछे से बीज छोड़े। जैसे ही काफ़ी हद तक बेस क्लियर हो चुका था थोड़ा डार्क की तरफ बीज छोड़े ताकि हम डार्क को ग्रैब कर पाए। फिर पीछे से 2 पैका छोड़ दिए। पैका जाने लग रहा था दूसरी ओर तो हम लोगों ने उस वे एक्शन बदल दिया। प्लान में बॉलर से जो हमारे काफ़ी काम आए जिनके कारण हम अंदर घुस पाए। पीछे से छोड़ दिए कुछ हीलर्स। हीलर्स पे रॉकेट लगातार अटैक कर रहा था। टीम की कर दी पावर ऑन और बॉलर्स ने कर दिया रॉकेट का काम नाम। हीलर्स पे डाल दिया रेंज जिसने किंग और बॉलर्स की पावर को रीजनरेट कर दिया। दूसरी तरफ से एक और रॉकेट मारने लग गया जिसके कारण हमारा हीलर्स जो थे वो सारे के सारे मर चुके थे। और देख सकते हैं इतने में हमारे पैकाज ने भी काफ़ी अच्छा काम कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर ली थी और मैंने बचा बचा के अपने बेबी ड्रैगन और मिलियंस को छोड़ दिया सो दैट वी कैन गेट 50। तो देखिए 50 हो चुका है, अब हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था इस बेस में। तो इसी तरह से आप भी जो हैं काफ़ी अच्छे अटैक्स मार सकते हैं इस आर्मी से। तो दोस्तों फटाफट से आर्मी ट्रेन करिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।